फोन से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले होता है पेंट क्वालिटी, पूरा बम्पर पेंट। फ्रंट पे देखो आप, हेडलाइट चेंज है जो भी टॉप मॉडल वाली है, DRL है। फ्रंट से देख सकते हो ग्रिल पूरी चेंज कर दी है, 666 स्लॉट चेक होम हो चुका है, पूरी चेंज हो चुकी है। नीचे लगाई है इसके अंदर DRL, फोग लाइटें लगा चुकी है। चेंज होता है सबसे पहले एलो साइड और लाइटिंग पूरी पेंट कर दी है जो भी टॉप मॉडल वाली होती है। तो रूफ रेल पूरी इसमें देख सकते हो, दो वाइजर चेंज हो गए, तो वाइपर पूरा एक्टिवेट करके दिया हुआ है। पिलर लाइट, नीचे बम्पर में रिफ्लेक्टर कैमरा, देखो इसको इसके अंदर स्पॉइलर भी लगाया है, उसके अंदर एक्टिवेट और वाटर स्प्रिंग इसमें लगाया है। स्पीकर लगाए पाइनियर के, पीछे पूरी फ्लोरिंग हुई आगे से पीछे तक 90 फ्लोरिंग। फ्लोर पैनल की जो चेंजिंग की बहुत जरूरी होती है। पावर विंडो लगाई है LED, किसी वेलकम लाइट है, सीट कवर है बिल्कुल रेड एंड ब्लैक में शानदार क्वालिटी के। UPN हमने इसको कर दिया है, मीटर भी चेंज कर दिया है। स्वागत है गाइस जय ऑटो चैनल पे आपका। अब दोबारे हमारे साथ सोनू भाई जुड़े हुए हैं। और भैया आज क्या जलवा दिखा रहे हो? आज जलवा दिखा रहे हैं हम क्लासिक को, एस को क्लासिक टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने का। क्लासिक को पूरा कन्वर्ट कर दिया, फ्रंट से आप देख सकते हो पूरा आज तो पूरा ही चेंज कर दिया जो क्लासिक को, कि मतलब कोई भी चीज़ आगे से छोड़ी नहीं है क्लासिक 11 में करने में। इस फ्रंट से आपको दिखाता हूँ, जब सबसे पहले होता है पेंट क्वालिटी, पूरा बम्पर पेंट, ठीक है।
फ्रंट पे देखो आप हेडलाइट चेंज है जो कि टॉप मॉडल वाली है, प्रोजेक्टर के साथ है, DRL है। आपको चला के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप DRL वाली टॉप मॉडल वाली ये लगा दी है। फ्रंट से देख सकते हो ग्रिल पूरी चेंज कर दी है, 666 स्लॉट चेक होम हो चुका है, पूरी फ्रंट ग्रिल चेंज हो चुकी है। नीचे लगाई है इसके अंदर DRL और एक महिंद्रा जेनवन फॉग लाइटर लगा चुकी है, स्क्रीन भी लग चुकी है। हेडलाइट में दो सेट डाली है LED और फॉग लाइट में डाली एक सेट LED। हाँ फॉग लाइट में तो फ्रंट से जो पूरी ओवरऑल तैयार हुई है, पूरी S11 तैयार हुई है, फॉग हेडलाइट चेंज, ग्रिल चेंज, DRL लगा दी, फॉग लाइट लगा दी, दोनों में LED डाल दी, तीन सेट, दो सेट इसमें, एक सेट इसमें, पूरी कंप्लीट S11 फ्रंट से हमने इसमें कर दी है, कोई इसमें चेंज बाकी नहीं रहा। किसी को कोई चेंज लगता है तो ज़रूर बताना। साइड प्रोफाइल में जाते हैं, साइड प्रोफाइल में चेंज होता है सबसे पहले हेलो जो कि S11 वाला है, S11 वाला हेलो इसमें चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं साइड RVM एडजस्ट चेंज कर दिया है जो कि एडजस्टमेंट वाला होता है। दिखा दो इधर से आगे, स्विच इंडिकेशन रहता है, ये तो मिरर भी दिखा दो, ये एडजस्टेबल यहीं से मैनुअली यूज होता है, पूरा कर देते हैं इसको। और इसमें BMC भी होती है, पुराने S11 वाला इसमें हम चेंज करके लगाते हैं। साइड प्रोफाइल में आते हैं, देख सकते हो क्लाइडिंग पूरी पेंट कर दी है जो कि टॉप मॉडल वाली होती है। फिनिशिंग भी देख सकते हैं पूरी सिल्वर करके, साइड के फुटर्स महिंद्रा जेनवन देख सकते हैं पूरा, ये देख सकते हो रूफ रेल पूरी इसमें देख सकते हो, डोर वाइजर चेंज हो गए, डोर हैंडल पेंट हो गए, पेंट हो चुके, पूरी S11 साइड से भी पूरी S11 चेंज हो चुकी है, अलग ही लुक लग रही है पूरा 11 के लुक। किसी भाई को थार के अलावा लगाना है, थार के अलावा भी हमारे पास अवेलेबल आते हैं, वो भी हम चेंज करके दे देते हैं। बैक प्रोफाइल में आते तो इसमें वाइपर भी पूरा एक्टिवेट है, देख सकते हो वाइपर है पूरा एक्टिवेट करके दिया हुआ है। इसको भी वाटर स्प्रे मैं करके चला के दिखाऊंगा। पिलर लाइट आफ्टर मार्केट रहती है वो भी चेंज कर दिया। नीचे बम्पर में रिफ्लेक्टर देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्टर अपनी आ चुकी है, बम्पर पट्टा भी अपना आ चुका है और इस पर अपने पीछे भी एजेस पे अपना पूरा पेंट हुआ है। फिनिशिंग कैमरा वाइपर भी पूरा एक्टिवेट हो चुका है, वाइपर पूरा एक्टिवेट हो चुका है, स्पॉइलर से स्प्रे आता है इसके अंदर, वाइपर भी एक्टिवेट हो तक था। ये देखो इसको इसके स्पॉइलर भी लगाया और उसके अंदर एक्टिवेट और वाटर स्प्रे भी इसमें लगाया। ब्रेक लाइट जो होती है पूरी S11 वाली लगाई है, वो भी हम आपको जला के दिखा देते हैं। लाइट पूरी देखो, ये सब चीज़ें पीछे से पूरी चेंज हो चुकी है, S11 बन चुकी है क्लासिक S11। तो फ्रंट से, रियर से, साइड से हमने पूरी मॉडिफिकेशन दिखा दी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर, जो बेसिक जो इसकी रेडी होनी थी S11 वाली, बाहर से पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उससे एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट भी कुछ आइटम है इसमें लग चुकी हैं। और अब आप देखते हो अंदर इंटीरियर में हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो आएंगे इसमें हमने स्पीकर लगाए पाइनियर के। अब डोर रैप की बात करें तो कोई सब लोग चार डोर रैप करते हैं, पांचों डोर रैप करते हैं। हमने सीट को इसके डाले हैं इसके अंदर रेड एंड ब्लैक मैचिंग के साथ, बर्फी डिजाइन के साथ। पीछे पूरी फ्लोरिंग हुई आगे से पीछे तक 90 फ्लोरिंग। अब आपको आगे दिखाता हूँ, सबसे पहली जो मेजर चेंजिंग होती है जो बिल्कुल ज़रूरी है इस गाड़ी के लिए, वो होती है डोर पैनल की। ये देखो वो होती है सबसे ज़रूरत की चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ होती है डोर पैनल की, जो चेंजिंग की बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरत होती है। तो इसको चेंज करके हम पूरा देखो डोर पूरा चेंज कर देते हैं, जो इसके कन्वर्ट हो चुका है पूरा डोर। मैनुअली आता है हर डोर पे, हर अपने अपने डोर का रहता है पावर विंडो, और जो मेन पावर विंडो होती है जो सेंटर में होती है वो कन्वर्ट होकर चली जाती है मेन डोर पे, अपना बोटल होल्डर लग जाता है, मेन डोर पे पहुंच जाती है वो। वहाँ से भी चेक करा देता हूँ आपको। और उसमें एक 150 वाट की हमने चेंज लगाई है LED सनग्लास होल्डर। इसमें देखो पूरा डोर इन्होंने चेंज कर दिया है। ये देखो पावर विंडो इसमें चारों डोर की इसमें आती है, देखो रियर की देख सकते हो, रियर की चारों अपनी इसमें आती हैं, पूरी प्रॉपर होती है। लॉक कर दोगे तो लॉक हो जाएगी, अनलॉक करोगे अनलॉक हो जाएगी, पूरी प्रॉपर। डोर रैप की बात कर रहा था मैं, वो डोर रैप ये रहे, डोर रैप हो गए। ट्विटर होता है पूरा, ट्विटर जो
कंपोनेंट लगाते हैं उसको, ट्विटर सेशन इधर बना के लगाते हैं पॉट में, बिल्कुल प्रॉपर बना के लगाते हैं, यूज करके पॉट बना देते हैं। ठंडी की नहीं आती है प्रॉपर, इसका शेष हमने बनवा रखा है, प्रॉपर शेष हमारे पास होता है, तो शेष हम बना के यहाँ पे लगा देते। वेलकम लाइट है, इसमें स्टील में भी मिल जाएगी, लाइटिंग में भी मिल जाएगी। थाई सपोर्ट वाले देख सकते हैं आप, सीट कवर है बिल्कुल रेड एंड ब्लैक में, शानदार क्वालिटी के। स्टीयरिंग पूरा हमने स्टिच कर दिया है, यू पियानो हमने इसमें कर दिया है, मीटर भी चेंज कर दिया है, S11 का प्रॉपर मीटर हमारा आ चुका है, एसी वेंट सारे लगा चुके हैं हम इसमें, एसी वेंट अपने हो चुके हैं, आर्म रेस्ट भी इसमें लग चुके हैं, एंड्रॉइड लगाया इसके अंदर और पूरा फ्रेम चेंज करा है S11 वाला, मतलब गाड़ी हुई है पूरी तैयार S11 में, और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में थोड़ी बहुत हुई है जो कि सिर्फ जयोटो रामा रोड पे होती है। तो ये तो रेगुलर गाड़ी हमारी तैयार होती है, रेगुलर वही चीज़ है, पूरी S11 कंप्लीट होती है ऐसी गाड़ी, और गाड़ी भी आई है बहुत दूर से, अभी कस्टमर का रिव्यू आपको दिलाता हूँ, कुछ मिलता है कस्टमर से। तो गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, गाड़ी कहाँ से आई है भाई लोग, गाड़ी लेकर आए भाई साहब, कहाँ से आए हो? भुवनेश्वर से आया, उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा से आए भाई साहब गाड़ी लेके, पूरी गाड़ी ट्रैवल करके लेकर आओ। हाँ जी। आप और कुछ ही काम से आए थे कि सिर्फ गाड़ी तैयार कराने के? गाड़ी काम कर लिए, सिर्फ गाड़ी तैयार कराने आया था भुवनेश्वर से। सोचो आप लोगों को कहाँ पर आना है और कितनी दूर से आना है, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हमारे पास आते हैं गाड़ी सिर्फ अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो तैयार कराने के लिए, तो आप लोग भी आ सकते हैं। हाँ जी। आपके शहर में नहीं होती गाड़ी तैयार सर? हाँ, होता है, होता है। हाँ, ऐसा तैयार होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन हम लोग अच्छा लगा आपका। हाँ, ये देख के मतलब क्वालिटी जो पूरी प्रॉपर तैयार होती है उसी जय ऑटो रामा रोड पे ही होती है। तो गाड़ी कैसा लगा आपने तैयार करा? आपको अच्छा लगा? बढ़िया लगा। अच्छी, खुश? खुश। तो भाई लोग खुश हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे हमें जी? अगर नंबर देना चाहें तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में 10 देना है। 10 में से 10 नंबर देना भाई जी। और हमारे सब्सक्राइबर को बोल दो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो भी करें। चलो भाई लोग, आप भी इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहे, जैसे भाई लोगों का प्यार दिया इतनी दूर से हमारे पास विश्वास करके। ये सब काम है सिर्फ विश्वास का, जो लोग हमारे पास इतनी दूर दूर से काम करने के लिए आते हैं और हम उनके पूरे विश्वास को पूरा बरकरार रखते हैं, उनकी गाड़ी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं जो कि S11 पूरी होके जाती है। अब इनके शहर में भी कोई नहीं बता सकता इन्होंने क्लासिक 5 लिया है या 11 लिया है, अभी 11 ही खिलाएगी। तो अपनी क्लासिक एस लेके उसको 11 कन्वर्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा जय ऑटो रामा रोड नियर मोती नगर अपोजिट DLF कैपिटल ग्रीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।